नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू जयपुर वॉइस। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो कि मेवाड़ राजघराने के राजकुमार हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनके राजनीति में आने की चर्चा चल रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी उदयपुर की सीट खाली हुई है। गुलाब चंद कटारिया, जो कि असम के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, वो उदयपुर से विधायक थे और अब राजस्थान की राजनीति से उनकी विदाई हो गई है। नेता प्रतिपक्ष थे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की कल की फोटो है, जब सिटी पैलेस पहुंचे थे कल गजेंद्र सिंह शेखावत। और इन तस्वीरों से राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ ही दिन पहले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जब लखनऊ गए थे तो उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी में बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीति में दूसरे या तीसरे नंबर पर उनका नाम आता है। ये सतीश पूनिया के साथ उनकी तस्वीरें हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचे थे सिटी पैलेस, उस वक्त के साथ उनकी तस्वीरें हैं। ये राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें हैं। और जो नरोत्तम मिश्रा हैं, जो कि बीजेपी के गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जब वो सिटी पैलेस आए थे तब उन्होंने मुलाकात करी थी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी नेताओं से पिछले काफ़ी वक्त से उनकी मुलाकात चल रही है। और जहां तक सभी को यह अंदाज़ा था कि उदयपुर की सीट लगभग खाली हो जाएगी, क्योंकि 75 वर्ष से ऊपर गुलाबचंद कटारिया हो गए थे और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान की राजनीति में 2023 के चुनाव में एक बहुत बड़ी मुख्य भूमिका में हो सकते हैं, उनका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो अब उनकी मुलाकात कल 1 से 1.5 घंटे सिटी पैलेस में हुई है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से। और वो दावा भी ठोक रहे हैं, ऐसी चर्चा है काफ़ी वक्त से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उदयपुर सीट के लिए, उदयपुर से वो आते हैं और मेवाड़ राजघराने के राजकुमार हैं और उनके बीजेपी में आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। उदयपुर में अभी फिलहाल उपचुनाव नहीं होंगे ऐसा कहा गया है, 6 से 7 महीने ही लगभग चुनाव को बाकी हैं और शायद उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी तो अब शायद उपचुनाव ना हो। लेकिन अगले जिस तरीके से जो चुनाव होने हैं विधानसभा के इस वर्ष के अंत में, उसके लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ टिकट की तैयारी में हैं और उनकी पूरी तैयारी है, ऐसे पूरी खबरें हैं। और जो कल मुलाकात हुई गजेंद्र सिंह शेखावत की, वो मुलाकात ने और भी ज़्यादा सियासी गलियारों में चर्चा को बढ़ा दिया है और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। और बीजेपी भी चाहेगी कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उनकी पार्टी में आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक महाराणा प्रताप के वो वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं एक पूरे देश में इम्पैक्ट जाएगा। और जिस तरीके से अब ये चर्चा है सियासी गलियारों में, पिछले काफ़ी वक्त से ऐसा कहा जा रहा था कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।